अब इसमें लीडर तो एक है ठीक है, लेकिन ऊपर से इसमें क्या गलती कर दी, एंगल दे दिया, घुमाना नहीं आपका लीडर, हमेशा सीधा जाना चाहिए। अब मैंने बोला आपको बाहर की तरफ, ये ब्रांच भी वर्टिकल, ये पीछे वाली, अब इस चीज को तो पूरा काटना है, झुकेगी नहीं ये, फट जाएगी, ट्रस डालती। अब जैसे आपकी ये तीन चार इकट्ठी होगी, इनमें से भी थोड़ी कम करनी पड़ेगी, ताकि जो है आपकी एक से दो ब्रांच ही रहे वहाँ। अब इन ब्रांचों पे काम कैसे करना है, अब इनको नहीं बनाना मैंने, जैसे पुराने पेड़ में बन रही थी सब ब्रांच, अब इनको मैंने क्लोज क्लोज करना है अंदर, इनको बनाना है फ्रूटिंग एरिया। एंगल नहीं देने कहीं पर भी, बस एक से आधी पिन तो छोड़ सकते हैं, इसका कुछ नहीं, और ये तो पूरा एक इंच से कटेगा नहीं, तो ये पूरा रिप्लेस होगा पूरी ब्रांच। अब ब्रांच कैसे बनानी है, जैसे घुटने से ऊपर, तो यहाँ पे एक तो ये होगी आप, दूसरी ये, और इनमें से भी कुछ निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये होगी नज़दीक बहुत ज़्यादा। अब इसमें छोटा क्लिक क्यों दे रहा हूँ, या तो आप इसको झुका दे ठीक है, और जैसे ये अगर मैं इसमें लंबा देता यहाँ से, तो ये जाती और ज़्यादा ऊपर की, खड़ी ही जाती ऊपर को, तो मेरे को चाहिए थोड़ी खुल के आए ये बार को, तो इस तरह से इसको भी मैंने बना दिया। अब इस ब्रांच को भी ऐसे ही आगे की तरफ, बस इसको क्लोज करते रहो, जैसे ये आपकी ब्रांचेज है, अगर इनको आप झुका देंगे अभी तो ये खुल के जाएगी, फिर अगर आप इनको झुकाएंगे नहीं तो ये भी जाएगी ऊपर की तरफ कोई वेजिटेटिव। अब इसमें मैंने बोला था इसमें चाहिए दोनों साइड ब्रांच, अभी एक ब्रांच मैंने यहाँ से ले ली और दूसरी ले ली मैंने यहाँ से, बाकी जो पीछे वाली होगी उनको स्टॉप करते जाओ, अंदर वाली को भी स्टॉप कर देंगे। ये ऊपर वाली चार क्यों उड़ाई जी इन्होंने, लगा पता बताएगा कोई, ये भी मेरे ये मतलब ये टॉप के साथ में, हाँ लीडर के साथ कंपीट कर रही थी। अब ये ब्रांचें भी गलत है, इकट्ठी है सारी, लीडर को कमजोर करेगी बात बहुत हो जाएगी, फिर ये आप एक साथ ही है। यहाँ मेरे पास ऑलरेडी एक ब्रांच मैंने यहाँ से ले ली, तो इतना डिस्टेंस तो होना चाहिए इसमें, और ये भी गलत है, फिर अगर इसको काटूंगा तो पेड़ खाली हो जाएगा मेरा, या तो पहले से ये बनती। अब यहाँ पे है ब्रांच मेरे पास, तो इतना डिस्टेंस लेके चलूंगा इसमें, और अगर इस तरफ होती आगे को तो मैंने ये भी निकाल देनी थी, उसकी जगह ये रख ली, जब पीछे की जगह ये है मेरे पास अभी, तो बाकी उनको इस तरह से स्टबिंग कर लो। अब निकालना क्या था मैंने इसे, ये तो पूरा रिमूव हो जाएगा इससे, लीडर के साथ होनी चाहिए थोड़ी सफाई। अब ये भी मैंने आगे की तरफ को एक ब्रांच ले ली, उस तरफ भी ब्रांच ले ली, अब ये होनी चाहिए चारों तरफ इस तरह की,
ये इस एरिया को कभी खाली मत करो, तब ये थोड़ा सा अजीब दिखेगा। अगर इन पे इस तरह के बर्ड्स हो और ब्रांच ले लो बाकी जगह, तो पूरा पेड़ आपका बिल्कुल भरा हुआ दिखेगा। ये 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 नहीं लेनी है ब्रांच इस तरह की। अब छोटा पेड़ है, इनसे इसको निकाल दो। कैंची से तो नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन जो है आरी से इसको निकाल दो। तो आपका पेड़ जो है अगर ये नहीं रहेगा तो प्रॉपर एक शेप हो जाएगा। अब इसमें ब्रांचेज है डिस्टेंस में, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, नज़दीक नहीं हो इसकी। फिर ये ग्रोथ लेगी दोनों तरफ से। आप देख रहे होंगे यहाँ बहुत ज़्यादा मोटा है। यहाँ आते ही इसने क्या किया, जब इसमें ब्रांच में सर चला गया तो ये चीज़ मेरी पतली होती गई ऊपर तक, और इस पर बहुत ज़्यादा घाव भी दे दिए। तो इस तरह से बनेगी। अब इसमें भी कोई डाउट लग रहा है तो पूछ सकते हैं। सर ये सिंगल यदि ये ब्रांच है, यदि मैं यहाँ ब्रांच निकालना चाहूँ ना, उसको वो कैसे निकलेगी? मान लो ये वो पूरा खाली जाए हमारा, मान लो ऐसी ब्रांच नहीं, नहीं मान लो सर, मान लो खाली हो ना सर सारा, मान लो अगर आप ब्रांच कैसे निकलेगी? अगर स्लीपिंग आईज है इसको, ठीक है, जैसे यहाँ तो है नहीं कोई स्लीपिंग आईज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो ये अभी के लिए यहाँ पे ब्रांच कुछ भी निकाल, ब्रांच निकालनी है, जैसे कि यहाँ निकालनी है मान लो लीटर पे, यहाँ ब्रांच है मेरा, तो क्या होता है जब सैफ लो चढ़ता है तो इस चीज़ को यहाँ से ऐसे कट लगा दो, स्लीपिंग आईज को काटने, हाँ स्लीपिंग आईज, जो आईज हेल्दी हो और अच्छी हो, अच्छी हो। सैफ लो आएगा, प्रेशर डालेगा, यहाँ से स्प्राउटिंग होगी बाहर, इसको बोलते हैं नोचिंग, ठीक है। अगर आपके पेड़ में मान लो कहीं पर भी वर्टिकल ब्रांच आ रही है, उसको हॉरिजेंटली कैसे लाना है खोल के? अगर इसे पतला होगा तो इस तरह से कैंची रखो और ऐसे काट, अच्छा हॉरिजेंटल के लिए, उसको बोलते हैं डच कट, डच कट। काटा आपने तो इससे क्या होगा कि आई जो बचेगी वो नीचे की तरफ से बाहर को स्प्राउटिंग होगी। दो चीज ये डच कट सीख लो, एक बार बताओ ना सर, दो बार डच कट, एक नॉचिंग इस तरह की बर्ड से बाहर को निकालना, ठीक है। ये नॉचिंग इस तरह से जो आपकी रेती होती है उसे काटो, कट लगाओ एक, ताकि ये चीज़ स्प्राउट होके खुल जाए बाहर को। और दूसरा, अगर आपकी ब्रांच ऐसे चिपकी हुई होती है ना कई बार, जैसे कि अंदर की तरफ को पूरा, तो कैंची सीधी रखनी है इस तरह से और इसको इस तरह से काट दो, हॉरिजॉन्टल, हाँ जैसे काटा आपने तो आपके जो है यहाँ से एक आइज रखते आप, वो स्प्राउट होके बाहर को आएगी। आप आइज ही नहीं रख देना नीचे, तब नहीं आ रहा, आइज होगी तभी आएगा, और मोटे में नहीं आएगा, पतले में आएगा, मोटे में नहीं, मोटे में नहीं पतले में आएगा बिल्कुल। आप किस तरह से काट रहे हो? नहीं डच कट की बात कर रहा हूँ, हाँ ठीक है, आप इसकी बात कर रहे हो, कैसे काटते हैं आप इसको? नहीं ये गलत है, ये गलत है, ऐसे नहीं स्प्राउट होती है आपकी। जब आप पिन निकाल रहे हो बर्ड, तब लगती है आपकी कैंची निचली साइड, ठीक है, हाँ। और अगर आपने ब्रांच निकालनी है तो उपली साइड, तो उपली साइड, सिर्फ एक कट लगेगा दोनों सिनेरियो में। ऐसा नहीं है कि आप दोनों लगाएंगे एक ही बार में, क्योंकि ये पता क्यों लगाते हैं, जो लेयर से सैफ लो आ रहा है यहाँ से काटा तो इसको वो प्रेशराइज करेगा, क्योंकि यहाँ पे रुक गया ना, यहाँ से लेयर काट दिया आपने तो ये बाहर को स्प्राउट होगा। अगर दोनों साइड से काटेंगे तब क्या होगा? तब आपने नीचे से भी इसके जो है सैफ लो को रोक दिया। इसीलिए हमेशा ऊपर से काटो जहाँ पे ब्रांच ही है। स्पर तो फिर खुद दिया जाएंगे, स्पर के लिए काटते नीचे से ताकि आपका स्पर बने, ऊपर से काटेंगे इट मींस कि आपके ब्रांच, सैप लो इसको करेगा ना प्रमोट, बाहर को धक्का देगा, प्रेशराइज करेगा, तब ये स्प्राउट होगा। गैप जैसे टहनी का फुट में चाहिए कितना, जैसे ये टहनी एक फुट दो फुट ले सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस में होनी चाहिए, इस तरह की नजदीक में नहीं होनी चाहिए। ये कट्ठे लोड़ी है हुई, अब यहाँ था मेरे पास ये, उसके बैकअप में मैंने इसको काट दिया, लेकिन यहाँ पे कोई ब्रांच ही नहीं है ऊपर तक, तो मैं इसको नहीं काट सकता क्योंकि घाव नहीं देने ज्यादा एक जगह, तो भी कैंकर आ जाएगा। तो इस तरह का बनाना है आपने, जैसे मान लो यहाँ खाली है मेरा, ठीक है, यहाँ पे मेरे को ये जा रही है मेरी ऊपर को वर्टिकल, अब इसको हॉरिजॉन्टल में लाने के लिए ये मारा मैंने डच कट, यहाँ देखो आईज है एक बची है ना, एक आईज, तो ये स्प्राउट होगी, ये आएगी खुल के बाहर को, हाँ जी इस तरह। अब नए पौधों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो जी कि कैसे क्या करना, रखनी थी उसकी आईज, और आपने कहा से जो उसका गलत प्रूनिंग से आपका पेड़ मरेगा,
अब जो दूसरा नीचे रखा है उसमें उसको एक ही रखो लीटर, एक ही में निकाल दो जैसे ये वाला। हाँ जी हाँ जी, लीटर कौन सा है आपका? ये है ना लीटर, ये जब ये आपस में स्ट्रेस आएगा तो क्या होगा, फट जाएगा, इसलिए आप इसको पहले ही काट दो। हाँ इनका स्पेस हो जाएगा कम, बिल्कुल। और यहाँ से अंदर की धूप तो गई, फिर जो अंदर आ रहे हैं उनको भी आप छिल रहे हो कि आपस में ये मजे ना। जो ये ऊपर का टॉप का कट नहीं आते, ये सारे इतने सारे पीने क्यों है, मोटा कट लगने से। हाँ जी हाँ जी, मोटा कट जब आप जैसे ये मान लो लंबा